नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। इन दिनों मोबाइल पर एक वायरल वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार एक कार चालक दो बाइकर्स को टक्कर मार देते हैं, जिस पर एक बाइकर्स में एक लड़की भी होती है, जिसको लेकर लड़की सहित बाइकर्स ने काफी विरोध किया। मामला शुरुआत में तो कुछ संभल चुका था, लेकिन कार चालक द्वारा गालियां देने पर और चुनौती देने पर बाइकर्स ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। इस बीच लड़की काफी उत्तेजना में आ गई थी। पुलिस की बीच बचाव में हालांकि मामला को शांत कराने की कोशिश किया गया, पर कार चालक ने फिर से अपशब्दों का प्रयोग किया और आगे चल के मामला तूल पकड़ लिया गया। बाद में पुलिस द्वारा इसका निराकरण भी किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लड़की उत्तेजित हो रही है और पुलिस द्वारा उसे हटाया जा रहा है। वहीं कार चालक फिर से भाग रहा है और बाइकर्स उसका पीछा कर रहे हैं। देखिए फिर से ये वीडियो। क्या बदतमीजी थी ये, क्या बदतमीजी थी? सड़क में खड़ी, खड़ी थी। रुक तेरी, रुक LB 1745, रुक रुक बता रहा, रुक बता। आंटी जी ये किनारे खड़ी थी, तुमने किनारे गाड़ी दाबी है, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ऑन था कैमरा, हाँ देख लूंगा। तुमने पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसने खुद कहा है कि ये तो आप पे चढ़ा देता। कौन चढ़ा देता? तुम कैसे चढ़ा देते? अभी पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा। पूरी रोड आंटी खाली है, वो किनारे थी, इन्होंने गाड़ी ऐसे दाबी और एकदम उसके बाद गाली दे रहे हैं। नहीं गाली दी आपने, मैं यहाँ आया हूँ, तुम आपने अंदर बैठ के सीधे गाली दी, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो भी रिकॉर्ड हुआ है। आंटी साहब आंटी मर कैसे जाती? क्यों ऐसे? मैं अब बता रहा हूँ, मेरा मूड खराब हो गया है, ठीक है? तमीज में रहो, जो कर रहे हो वही करो। पहले गए तुम गाड़ी का सीट रहो, वहाँ पे आके लौंडे खड़े कर रहे हो ना, मैं खड़े करके दिखाऊं लौंडे? जान रहे हो मुझे? सूरज वर्मा गूगल कर लेना, गूगल कर लेना मुझे। तुम आप टिकटॉक बनाते? टिकटॉक उकटॉक नहीं बनाता मैं, उससे नहीं। तुमने गाड़ी गाली गलत चलाई, ऊपर से गाली दे रहे हो तुम। गाली मैंने कहा दिया? उन्होंने दी गाली, उसके बाद यहाँ निकले, यहाँ यहाँ निकले, कौन गाली दिया? रुकिए क्या बेटा, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू ऑन थी, आप हमको रिकॉर्डिंग, ठीक है? गाली दिया हूँ, क्यों दिखाएंगे पुलिस को? रिकॉर्डिंग दिखाएंगे? ऊपर से बदतमीजी जा रहे हैं, ऐठन दिखा रहे हैं, आप खुद ऐठन दिखा रहे हैं। लेडीज आपके साथ में ऐसे आपको बिहेव करना चाहिए नहीं? आपके साथ में लेडीज है, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए? आपने सबसे पहले गाली दी है, है? अरे नहीं, नशे में हो क्या? नशे में आप हो, नशे में आप हो, लग रहा है साफ। नहीं आप हो। ये देखो, ये देखो क्या देखे यार, चिया बना अभी की हमको पाना खोल लिया, तुम लोग धीमे आ रहे थे, तुम देखते ही गाड़ी एकदम तेज चल रही है। क्या हम लोग नक्शेबाजी कर रहे थे क्या? आप हमने देख लिया नक्शेबाजी, कल आप देखिएगा, कल आप देखिएगा गूगल पे और यूट्यूब पे। पागल हो यार, गाड़ी होनी चाहिए। हाँ जनी 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 हटो, बदतमीजी का हम लोग यहाँ इधर 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 इधर, क्या ज्यादा जोश आ रहा है? ज्यादा जोश आ रहा है? ये किनारे खड़ी थी, हम लोग फोटो खींच रहे, आया एकदम से इसके ऊपर चढ़ाने लग गया, उसके बाद मैंने कहा क्या बदतमीजी, तो गरम इन्होंने गाली दी, माँ कसम इसने गाली दी। कौन दिया? इसने क्यों नहीं देंगे आपके पिता? बस पिता तुम्हारा, पिता है मेरे, वो पिता है मेरे, वो पिता है मेरे। तेरी माँ, हाँ तू बाहर आ, तू बाहर आ, तुझे बताता हूँ, बाहर आ। तेरी माँ की गाली दे रहा, नहीं 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 नह
ये पकड़ो मैं बता रहा हूँ मैं पेल दूंगा अंदर बैठ बैठ अंदर कौन सी चौकी पे गाड़ी नंबर रुको मैं यूपी 32 LB 17 45 चढ़ा 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 तुम्हारी माँ का भी है गाड़ी की पूरी रिकॉर्डिंग भैया हम लोग किनारे खड़े बीच में मतलब ये किनारे खड़ी नॉर्मल आया इसके ऊपर एकदम से ऐसे काट दिया उसके बाद मैं आके यहाँ कह रहा हूँ भैया ये क्या बदतमीजी तो कह रहा माता खड़े हो गए हमने कहा अजीब आदमी है देखते हैं कि डाउन किया एकदम से चुटका के गाड़ी ले गए अभी भी देखा कैसा भागा वो तो इतना सब होने के बाद हम गए अपने नजदीकी थाने जो कि सुशांत कोल सिटी का था वहां हमने एप्लीकेशन दी वहां से हम अहिमा मऊ थाने गए वहां उन्होंने जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने सारी जानकारी ली उस लड़के को फोन किया गाड़ी के नंबर से उनको कांटेक्ट किया तो उसने कहा मीटिंग में सर कल आएंगे अब कल हम जाएंगे और जो भी उन्होंने किया है वो गलत था मेरे अकॉर्डिंग बाकी आप लोगों ने देखा ही कि किस लैंग्वेज में वो बात कर रहा था कैसे गाड़ी चला रहा था कैसे उसने मेरी फ्रेंड की तरफ उल्टे सीधे शब्द प्रयोग किए उसको धक्का दिया उसकी उंगली में चोट तक लग गई है बहुत ही ज्यादा आपा खो दिया था मैंने भी बहुत सारे अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया क्योंकि उधर से जब गाली आई मूड खराब हो गया था मेरा बिल्कुल मतलब मैं उनसे पूछने गया हूँ कि क्या अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सॉरी बोल दो ठीक है इट्स ओके हो जाता है कभी कभी बट भाई साहब उल्टा मुझे गाली दे रहे हैं मुझे समझा रहे हैं कि वो रोड के बीच में खड़ी थी मतलब वो रोड के तो किनारे खड़ी थी उसने जानबूझ के किया फैमिली के साथ होते हुए किया अब मुझे नहीं पता कि इनकी फैमिली कैसे या कैसे मेंबर है फैमिली में कि मदर और पापा थे पता नहीं कौन था उनका वो ऐसा होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं और वो बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को तो आप जान सकते हो कि कैसी फैमिली होगी लेकिन फिलहाल थाने में अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हुई है उन्होंने एक एप्लीकेशन के तौर पे जानकारी ली है और कल हमें वापस से बुलाया तो हम फिर जाएंगे लेकिन हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं किसी को क्योंकि ये गलत है आज इसके साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा परसों किसी और के साथ होगा हम सिर्फ देखते हैं कार्रवाई कोई नहीं करते हैं परेशानियों को सोच के कि हमें वेट करना पड़ेगा हमारा टाइम वेस्ट होगा लेकिन नहीं ये बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ठीक है आप इंडिया के नागरिक हो आपके पास अधिकार है बस इतना ही कहना चाहूंगा यार बाकी कल देखते हैं क्या होता है दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में हुआ भीषण चोरी जी हाँ मऊ सदर कोतवाली के सामने दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक चोर